तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? क्या आप भी हेल्थ कॉन्शियस हैं? वैसे हेल्थ को लेके कौन कॉन्शियस नहीं रहता यार, सब कोई रहते हैं। तो चलिए, आज हम एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। बहुत लोग कमेंट में भी ये कह रहे थे और पर्सनली एडवाइस भी दिए कि विटामिन्स को लेके, जो हम लोग मल्टी विटामिन का यूज करते हैं, तो विटामिन्स को लेके एक सीरीज वाइज वीडियो बनाई जाए, जिसमें सभी विटामिन, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, इन सब के विषय में हम बात करें कि ये विटामिन्स हमारे शरीर में कैसे काम करते हैं, ये विटामिन हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है, और इसका ज़्यादा इंटेक हमारे बॉडी को क्या नुकसान पहुंचा सकता है, और इसके गुड सोर्स क्या हैं, हम कैसे इस विटामिन की डेली रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को जो पड़ती है हम उसको पूरी कर सकें। तो जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं टीलू चैनल। तो इस विटामिन की सीरीज को हम शुरू करते हैं। यदि आप खड़े हैं तो बैठ जाइए, बैठे हैं तो आराम से टिक जाइए, और टिके हुए हैं तो बस कॉन्सेंट्रेट कीजिए। विटामिन ए बहुत ही महत्वपूर्ण एक पोषक तत्व है, इसकी शरीर को बहुत ज़रूरत होती है। फिर चाहे वो हमारी स्किन की हेल्थ हो, या हमारे बालों की हेयर ग्रोथ की हेल्थ हो, या हमारे दांत हो, या हमारी हड्डियाँ हो, ये सभी टाइप से काम करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि विटामिन ए क्या है। विटामिन ए वसा में एक घुलनशील विटामिन है जो हमारे शरीर में जमा रहता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम, हमारी आंखें, हमारे हेयर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा ये हमारे हड्डियाँ, दांत के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। तो विटामिन ए के बहुत सारे फायदे हैं। ये हमारी स्किन और हमारे हेयर को स्ट्रॉन्ग रखता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। इससे हमारी हड्डियां और दांतें भी मजबूत होती हैं। लेकिन आपको एक बात मैं बता दूं, जैसे हर चीज की अति से नुकसान होता है, वैसे ही यदि हम विटामिन ए की मात्रा से अधिक इसको यदि हम कंज्यूम करते हैं, हम इसको खा लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, जैसे भी अपने बॉडी में इंटेक कर लेते हैं, और ये अपने निर्धारित, जो हमारे बॉडी के लिए निर्धारित है, उस मात्रा से ऊपर जाती है, तो ये हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। तो जानते हैं कैसे। तो अगर आप डेली रिक्वायरमेंट से अधिक विटामिन ए का सेवन कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि उल्टी होना, मतली होना, जैसे कई सारे स्वास्थ्य समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए ध्यान रहे कि हम जो विटामिन ले रहे हैं, चाहे वो दवाइयों के माध्यम से हो या फूड के माध्यम से हो, सबका एक निश्चित पैरामीटर बना हुआ है। हम उस पैरामीटर के अनुसार ही उसको लें। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, अब एकदम तो नाप के नाप खा सकते हैं ना हम खा सकते हैं, तो लेकिन फिर भी किसी चीज़ की हमको अति नहीं करनी है। लाइक हम जब काजू खा रहे हैं तो यार 8-10 पीस काजू खा लेना, 15-20 पीस काजू खा लेना, ठीक है, एक नॉर्मल। लेकिन मुट्ठा मुट्ठा भर के खाते ही जा रहे हो, खाते ही जा रहे हो, खाते ही जा रहे हो, ये भी तो गलत है ना, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। धीरे 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 थोड़ा कम भी हो जाएगा, हल्का ज़्यादा भी हो जाएगा, तो वो एडजस्टेबल है। लेकिन आप एकदम अति मचा दोगे किसी भी चीज़ का, नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो आपको इसकी डेली रिक्वायरमेंट को ज़रूर फॉलो करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी डेली रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में क्या होनी चाहिए। तो अगर हम इसकी डेली रिक्वायरमेंट की बात करें, अगर एक आप सामान्य हेल्दी वयस्क हैं, तो आपको रोज़ाना 700 से 900 मिलीग्राम विटामिन ए की ज़रूरत होती है। इसके लिए आप कई तरह के फूड्स खा सकते हैं, जैसे गाजर, पालक, शक्करकंद, ब्रोकली, और बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट में भी विटामिन ए पाया जाता है। तो दोस्तों, बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको बताने की ये कोशिश की है कि विटामिन ए क्या है, ये हमारे शरीर में कैसे काम करता है, इसको हम किन फूड के माध्यम से इंटेक कर सकते हैं, इसकी डेली रिक्वायरमेंट क्या है। आप भी चीज़ों को जानें, पहचानें, और वाकई विटामिन ए बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, ये हमारे आँखों के लिए ज़रूरी है, हमारे हेयर ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे दांतों के लिए, हमारे हड्डियों के लिए, सभी के लिए ज़रूरी है। तो आप प्लीज़ इसे इग्नोर ना कीजिए। वैसे मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि सिर्फ विटामिन ए ही नहीं, और भी बाकी जितने विटामिन हैं वो भी हमारे शरीर के लिए उतने ही ज़रूरी है जितने विटामिन ए की ज़रूरत है। लेकिन फ़िलहाल अभी हम विटामिन ए के विषय में बात कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको विटामिन ए का बता रहा था। और ये विटामिन आपको काफ़ी चीज़ों से बचा के, काफ़ी बीमारियों से भी बचा के रखता है। तो आप कोशिश करें कि आप हेल्दी फूड से, आप ऑर्गेनिक फूड से, आप अपने घर से ही
ऐसा कुछ सोर्स तैयार करें जिससे डेली रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी विटामिन ए की पूरी हो जाए। अदरवाइज यदि आप नहीं कर पाते हैं, कोई प्रॉब्लम है, या आप बाहर रहते हैं, आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, या आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, तो आप सेकेंड चॉइस इसके सप्लीमेंट की ओर जा सकते हैं। सप्लीमेंट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि ऐसा कुछ वो नहीं है। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हमारी डेली रूटीन लाइफ कैसी है, उस अकॉर्डिंग डॉक्टर तय करेगा कि आपको कितनी किस हिसाब से टेबलेट्स इंटेक करनी है, सिरप इंटेक करनी है। तो दोस्तों वीडियो में यही थी विटामिन ए को लेकर पूरी जानकारी। जल्द ही हम इसके बाद दूसरे वीडियो में विटामिन बी के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में जानेंगे और कंटिन्यू विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के विषय में भी जानेंगे। मैं जल्द ही मिलता हूँ। नमस्कार।